धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला इस बार हर दृष्टि से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मेले के दौरान 4 जुलाई से 15 जुलाई तक पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 20 लाख अधिक कांवड़ियों ने भोले बाबा पर जलाभिषेक किया। हरिद्वार में कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेले अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। हालांकि सभी अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया। उसका पूरा श्रेय हमारे पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है, और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है, उन सबको है, और मीडिया बंधु का भी है। आप लोगों ने समय समय पर जब भी कोई विशेष घटनाएँ घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया। और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे, और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को संपन्न कराने में। वहीं SSP अजय सिंह के मुताबिक इस बार मेले में दुर्घटनाएं कम हुई है, जबकि रेस्क्यू कर कई लोगों की जान बचाई गई। बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल पर भी इस बार प्रतीकात्मक रूप से कार्रवाई की गई, ताकि आने वाले सालों में बिना साइलेंसर की मोटरसाइकिल आने का चलन बंद हो सके। स्टॉल्स लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किए हो, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया, चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार QR कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हो। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज किया गया था, और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूँकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था, और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है, तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही, हमारे सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर आए थे इसमें सभी लोग सकुशल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपदा भी जो बीच में आई और साथ ही साथ लंबे आवर्स की ड्यूटी रही और इतने वाहन चले तो इसमें भी एक्सीडेंट होने का पुलिसकर्मियों का संभावना रहती है, तो वो भी सेफ रहे, ये भी माँ गंगा की कृपा से सब ठीक रहा। इसमें हमारे नए जो ट्रेनिंग आए थे 1734, उन्होंने भी बखूबी ट्रेनिंग का निर्वहन किया है, और आप सभी ने देखा होगा, और उनको भी उनकी भी प्रशंसा मैं करता हूँ इस कांवड़ यात्रा में। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।